करेंगे आज घर घर में तथागत का आगमन हुआ है। आंखों में रोशनी की चमक, चेहरे पे मुस्कान की है दमक, ये जो मुक्तिया आनंद चमक किया बानन, वो जस भी है और कांति पूर्ण दर्शन, आते हैं बुद्ध भगवन, आते हैं बुद्ध भगवन। सोना तन चांदी रे सच पाया उस त्यागी ने, धातु की काया मोम माया कैसी लगन बांधी रे, तन सोना मन चांदी रे धातु की काया रेशम सिखाया कैसी लगन बांधी रे, कैसी लगन बांधी रे। बादलों से मुक्त जैसे चंद्रमा का वर्णन, आते हैं बुद्ध भगवन, आते हैं बुद्ध भगवन। हजार 564वीं बुद्ध जयंती पर सबको शुभकामनाएं। तथागत बुद्ध से जीवन कितना सुखमय हो सकता है, इस गीत में हम आपको बता रहे हैं। मुक्तं शरणं गच्छामि, तं मां शरणं गच्छामि।
साहस की वो चंगी इमारत, साहस की गहरी किताब, विश्वास की वो चंगी इमारत, साहस की गहरी किताब। उसकी ही चिंतन मनन से होगा निर्मित स्वयं प्रकाश, उसकी ही चिंतन मनन से ही होगा निर्मित स्वयं प्रकाश। गुहा से निकले हुए केसरी का गरिजन आते हैं बुद्ध भगवन, आते हैं बुद्ध भगवन। सुनो रे हाथ जोड़ो मिल के करो वंदन, आते हैं बुद्ध भगवन, आते हैं बुद्ध भगवन। बुद्ध जयंती की सबको शुभकामनाएं फिर से देता हूं। ये जो लाइव सिंगिंग मैं आपके लिए आपके साथ कर रहा हूं, मैं मेरी आशा है कि आप मेरी आशा है कि सब लोग ये मेरे साथ गा रहे होंगे, झूम रहे होंगे, क्योंकि इतना आनंद है, इतना आनंद है तथागत के गीत गाने में। एक अपनी अपने आप में एक ऊर्जा है। बाबा साहब ने तथागत का जो तथागत के धम्म का जो चुनाव किया है, खास तौर पे उन लोगों के लिए जिनको कोई अधिकार नहीं थे सालों साल से, उनके प्रगति के लिए कौन सा मार्ग ज़्यादा प्रभावी हो सकता है। बहुत अध्ययन के बाद बाबा साहब ने इस धर्म को चुना है। अपने तीन गुरु में प्रथम नाम तथागत गौतम बुद्ध का बाबा साहब लेते हैं, क्योंकि तथागत भी पहले मेरे ओपिनियन में क्रांतिकारी हैं। विषमता के खिलाफ उन्होंने पहली आवाज़ उठाई, समता का नारा उन्होंने पहली बार दिया, महिलाओं को अपने विहारों में अपने संघ में उन्होंने जगह दी। तो ये इसलिए बाबा साहब तथागत से बहुत प्रभावित थे, प्रेरित थे। तथागत की कहानी बहुत क्या कहते हैं उसको, इंटरेस्टिंग से भी और एक अच्छा वर्ड, आप जितना उसमें जाओगे उतना उसमें उसे बाहर नहीं निकल पाओगे। बाबा साहब के साथ यही हुआ होगा। हमने भी बाबा साहब ने ये धम्म दीक्षा हमने लेने के बाद जब किताबें पढ़ी तो वो जितना आप उसमें जाओगे उतना आपको आनंद आता है, जीवन के रहस्यों की बात समझ में आती है। जीवन में हम किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, यानी मेरे हिसाब से ये भी है कि जैसा आप जैसे तथागत ने अपना धर्म करके ऐसा ये नहीं किया, यानी डिक्लेयर नहीं किया, उन्होंने कुछ भिक्षुओं के लिए कुछ डिसिप्लिन कोड ऑफ कंडक्ट कुछ आचरण बताए हैं, उपासक उपासिका के लिए नहीं बताए हैं। एक एग्जाम्पल है तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी ने ये एग्जाम्पल दिया कि जीवन ऐसा भी जिया जा सकता है। जहाँ भिक्खु है वो घर से अभिष्क्रमण लेकर निकलता है, इंडिपेंडेंट यानी लाइफ जीता है और बहुत ही कम इसमें आनंद में जीवन जीने का मार्ग वो सारी दुनिया को बताता है कि ये भी एक ऐसा मार्ग है कि आपको अगर बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है आपके वैभव से या आपको लगता है कि आपको ये नहीं मिल रहा है, तो ये भी एक एग्जाम्पल आपके सामने रहे कि ऐसा जीवन जी के भी आपको संपूर्ण आनंद की प्राप्ति हो सकती है। संपूर्ण त्याग से संपूर्ण आनंद, सब कुछ छोड़ा तो सब कुछ पाया,
तो और उसके साथ साथ, उसके साथ साथ जो भी आप करते हैं वो काम बहुजनों के लिए, जो लोग अंडर प्रिविलेज है उनके लिए, इनके लिए हो। अगर आपने कुछ बुद्धि प्राप्ति भी की है, कुछ ज्ञान प्राप्त भी किया है, तो वो यूं नहीं कि अपने पास रखे और अपन ही खुद साधु बन के लोगों को हमारे पास बुलाकर हमारे दर्शन करें, हमारे पाप पढ़ने बोले, इस तरह का धम्म तथागत ने नहीं दिया। तथागत ने कहा कि अगर आपको बुद्धि प्राप्त हुई है, आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो उसका सच्चा उपयोग तब है जब आप लोगों के पास जाकर भ्रमण कर यात्रा कर जाके सुनाएं, तो और सारे सवालों के जवाब जो भी आम जनता के, आम मानुष के जो सवाल है उनके जवाब दे। तो ये इसलिए तथागत का चुनाव बाबा साहब ने। तो एक गाना हमने बनाया है जो सिद्धार्थ द लोटस ब्लॉसम बुद्धे बुद्ध का पार्ट टू का जो गाना है, पंकज उदास से गवाया था गाना। पहली बार पंकज उदास ने, जिन्हें भी ये गाना बुद्ध का पाया गाना, हमारे मेरे एल्बम में सभी लोगों ने मेरे ख्याल से पहली बार ये बुद्ध के गीत गाए हैं। वो भी हमने कुछ बात करके दिखाई कि तथागत के और बाबा साहेब गाने से हम क्यों गाएं, लेजेंडरी सिंगर बाकी सब लोगों का गाना गाते हैं तो हमारा भी गाना गाए। तो हमने क्वालिटी वाले गाने उनको दिए और उनसे वो बुद्ध से वाकिफ भी हो गए, रूबरू भी हो गए और गाना भी बहुत अच्छे से गाए थे। गाना भी सुनाता हूँ आपको। ये गाना सवाल जवाब पर है, इसमें कोरस पार्ट जो है वो क्वेश्चन है, यानी कोरस पार्ट जो है वो उपासकों का सवाल है और जो मेल पार्ट है वो तथागत का जवाब है। बहुत सुंदर गाना है, पंकज जी ने बहुत अच्छा गाया इसको। मैं कोशिश करूंगा। बहुजन सुखाय हो ये अंतिम,
आत्म सुधार का साथ यही कर्तव्य हो ये अंतिम। मैत्री से गर्व हो जो आए सबके काम, मैत्री से गर्व हो जो आए सबके काम। पूरब में भी, पश्चिम में भी, उत्तर में भी, दक्षिण में भी, चारों दिशा में ज्ञान के अंश होगा सत निर्माण। पूछो मैं करता हूँ समाधान, अपने आप में एक अनूठा गाना था जिसमें तथागत ने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। उसमें से दो सवाल हमने उठाए थे कि भाई आखिर सिद्धि क्यों करनी चाहिए, आत्मसुधार का ध्येय क्या होना चाहिए, उसका जवाब अगर उससे बहुजन का हित नहीं साधा जाता है, ज्ञान प्रकाश से अगर सत्य का निर्माण नहीं होता है तो आत्मसुधार में कोई मतलब नहीं, ये जवाब है। दूसरा कि बहुत सारे प्रवचन लेक्चर और बहुत सारे गाइडेंस होते रहते हैं, उसमें बहुत सारी बातें संभ्रमित करती है, उसमें कौन सी बात को माना जाए, तो उसका एक साइंटिफिक आला कलाम सूत्र में तथागत ने दिया है कि कसौटी पर जो शास्त्र सिद्ध हो, इसलिए तथागत को शास्त्र सिद्ध यानी वैज्ञानिक तौर पे
उन्होंने उसको जांचने को कहा है, और मत मानो कोई बात क्योंकि है वो काल रचित, सदियों से चलती आ रही। यहाँ पे हमारे देश में तो ऐसा बहुत है कि सदियों से चलता आ रहा, इसलिए ऐसी कितनी गलत प्रथाएं थी जो सदियों से चलती आ रही थी, जिसको लात मारने की जरूरत थी जो बाबा साहब ने मारी, जिसको उठा के फेंक देने की जरूरत थी, तो काल रचित में तो आप उसी सिस्टम में चलते थे। मत मानो कोई बात क्योंकि है वो प्रचलित, चल रहा है वो, चार लोग वहां गालियां दे रहे तो आप भी दे दो। नो, इज दैट करेक्ट, इज दैट रॉन्ग, दैट यू हैव टू सी, यू हैव टू यूज योर ब्रेन एवरी टाइम। आप जब तक कि अपना लॉजिक, अपना रैशनल डेवलप नहीं करते, तब तक कि ह्यूमन बींग करके आप जी भी नहीं सकते। जैसा वहां संभ्रम हो गया, वो साधु लोग बच्चों को चुरा रहे हैं, ऐसा संभ्रम हुआ तो साधु को उन 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 लोगों ने मार डाला, मॉब लिंचिंग होती है। यू आर कीपिंग योर ब्रेन एंड रैशनल एंड ह्यूमैनिटी बिसाइड्स, देयर वेयर द बुद्धा विल कम टू योर रेस्क्यू। सोचना है व्हाट इज रॉन्ग, डिफरेंशिएट बिटवीन द ट्रूथ एंड द फ्रॉड थिंग, द फॉल्स थिंग्स। आवाज साथ नहीं दे रही है, आपको अच्छा लग रहा होगा तो आई विल कंटिन्यू, बिकॉज ये गाना और भी कठिन है जो आ रहा है। थैंक यू। जितने लोगों को अच्छा लग रहा है सब थम्स अप दीजिए। आई थिंक आई शुड गेट सम, या प्रतिष्ठित वाणी है, वो कह रहा है इसलिए मानो। नहीं, वो कह रहा है, हो सकता है कभी कभी वो स्वार्थ से प्रेरित हो, उसका कुछ उसमें स्वार्थ हो। ऐसे सब हर चीज को शास्त्र शुद्ध पर, लॉजिक के, रैशनल के कसौटी पर, जब तक कि वो खरा नहीं उतरता, आपके दिमाग को नहीं पड़ता, तब तक कि आप उसको मानिए मत। ये तथागत का बहुत ही, मैं कहता हूँ, बहुत ही उपयोगी संदेश है, जिस पर अगर मानव जात चलती है तो बहुत सारे दुखों का, सामाजिक बैड थिंग्स का और गुनहगारी का, बुराइयों का खात्मा या रिडक्शन जरूर हो सकता है। ये गाना फिर मैं कोशिश करता हूं, दिस इज वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत ये चबुद्धातीताच ये च बुद्ध अनागता पचुपन्नाच ये बुद्धा अहं वंदामि सबदा। अहिंसा की ताकत से जो बलवान है, अहिंसा की ताकत से जो बलवान है, वो बुद्ध है, वो बुद्ध है, वो बुद्ध है, बुद्ध है।
चल चल उदय के स्पंदन नियंत्रण बात कर निश्चय से जब चेत तेरा शुद्ध है तू बुद्ध है तू बुद्ध है तू बुद्ध है बुद्ध है बुद्ध है बुद्ध ही बुद्ध है वतन बन पर संयम कर पूजा सद्गुणों की रे नादा ईश्वर का बने तू पहले बन इंसान कर्म कांडों से नहीं मिलता भगवान चमत्कार नहीं दुनिया में मानव से बाही तुझसे नीति पद है तू बुद्ध है तू बुद्ध है तू बुद्ध है बुद्ध है बुद्ध ही बुद्ध है। आई होप यू लव दिस सॉन्ग बिकॉज मेनी ऑफ द पीपल लाइक इट लव इट। बहुत सारे फैन हैं इस गाने के और सोनू निगम से ये हमारे एल्बम की शुरुआत होती है। इस मौके पर आई एम वांट टू थैंक यू सोनू जी द वन द अल्टीमेट अनपैरल क्वालिटी ऑफ सिंगिंग द एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट। और चूंकि उन्होंने पहला गाना बुद्धि बुद्ध का गाया था और उसके बाद जो शुरुआत हुई तो वो अनस्टॉपेबल है और आज हम देख रहे हैं कि एल्बम के ऊपर एल्बम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो ये इन लोगों का जो हमको साथ मिली है और इन्होंने बुद्ध को समझा है बाबा साहब को समझा है हमारे गीतों द्वारा और हर एल्बम में ये हमारे साथ रहते हैं। तो आई एम सो थैंकफुल टू ऑल द लेजेंडरी सिंगर्स इंक्लूडिंग लता मंगेशकर जिन्होंने बुद्धंग शरणम गच्छामि ये सबसे बड़ा जो भीम गीत है मेरे नज़र में बुद्धंग शरणम गच्छामि से बड़ा कोई भीम गीत नहीं है। हमारे कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने भीम गीत नहीं गाया बट उन्होंने भीम गीत के तौर पर बुद्धंग शरणम गच्छामि ये पूरा त्रिशरण उन्होंने सिद्धार्थ लोटस ब्लॉसम इस एल्बम में गाया है। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आशा जी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ये सब लोगों ने इस गाने को अजरामर किया है, अपनी आवाज़ें देकर उसको खूबसूरत बनाया है। तो आज ये पांच ही गाने लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ था और आई होप के इतनी बड़ी खराश भरी आवाज़ में आपको ये गाने पसंद आए होंगे। वंस अगेन आई विश कॉम्प्लीमेंट्स टू ऑल द ह्यूमैनिटी द वर्ल्ड। भारत से बुद्ध पूरे जगत में फैले हुए हैं। अगर हमारे से कोई वीआईपी अगर बाहर जाता है तो बुद्ध की मूर्ति वहाँ भेंट दी जाती है। जग में बुद्ध का नाम है, यही भारत की शान है। हमको बार बार कहना पड़ता है क्योंकि कई सारी कंट्रीज ने बुद्धिज़्म को अपनाया है, सक्सेस पाया है। ये भारत की मिट्टी वहाँ पर अभी भी राज करती हैं ऐसा हम फख्र के साथ कह सकते हैं।